आज हमारी खास पेशकश में हम ये बता रहे हैं आपको कि आखिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है, आखिर कैसे आप नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप अत्यधिक सोच रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बलविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। सर, मेरा अगला सवाल ये होगा कि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, ऐसे में हम इसे कंट्रोल कैसे करें और इसके सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि वो ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग मोड में हैं, कि हम बार बार जो है एक चीज़ को सोचे जा रहे हैं या किसी एक मुद्दे को लेकर हम उसके ऊपर चिंता जो है वो कर रहे हैं। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि अपने बारे में अवेयरनेस जो है वो होनी। ये एक अध्ययन के अनुसार ये पता चला है कि 90% से ज़्यादा लोगों के अंदर जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत कम लेवल की रहती है, और लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता, और वो अपने मन के साथ इतना आइडेंटिफाइड रहते हैं, टोटल आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड या विद द थॉट्स। हम कभी भी इस चीज़ पर कभी क्या हम ध्यान देते हैं कि हम अलग हैं और मन हमारा अलग है, या हमारे थॉट्स, मतलब जो मैं हूँ, मैं जो है और मेरे विचार, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और हमारे अंदर जो है इस बात की क्षमता नहीं होती कि हम अपने मन को जो है ऑब्ज़र्व कर सकें और उसको हम देख सकें। और यही वजह है कि ये जो सेल्फ अवेयरनेस ना होने के कारण हम थॉट्स के लूप के अंदर, ओवर थिंकिंग या वरिंग के अंदर हम बुरी तरीके से फंस जाते हैं। और जिन यदि आपकी अवेयरनेस अच्छी है, सेल्फ अवेयरनेस आपकी सही है, तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। आपने अक्सर कभी कभी देखा होगा कि आपको खुद पता चल जाता है कि आप किसी एक थॉट की वजह से परेशान हैं, किसी विचार की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और आप कभी कभी कहते भी हैं कि देखो ये जो विचार है, ये जो थॉट है, मुझे बार बार परेशान कर रहा है, और इसको जो है मैं इस चीज़ को हैंडल करना चाहता हूँ ताकि ये बार बार मेरे विचार जो है मेरे मन में ना आए। इसका मतलब ये है कि आपका एक ऑब्जर्विंग माइंड भी है जो आपके थिंकिंग माइंड को देख रहा है। तो यदि सेल्फ अवेयरनेस हम डेवलप करें तो सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम से जो है ये चीज़ें, ओवर थिंकिंग, वरिंग जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अब मेन चीज़ ये है कि ये सेल्फ अवेयरनेस कैसे आएगी, उसके लिए जो है हमको ये आवश्यक है कि माइंडफुलनेस रहे, मींस कि हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने उसमें जीवन अपना व्यतीत करें, चाहे हम खाना खा रहे हों, चाहे हम पढ़ रहे हों, या हम इवन टीवी देख रहे हों, या इवन आप हमारा प्रोग्राम यदि ये देख रहे हों, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं आपका मन भी उसी के ऊपर स्थिर हो, बजाय कि जो है आप प्रोग्राम ये देख रहे हैं बट आपका मन जो है वो किसी और जगह पे है। यदि ये जो माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस, ये जो दो शब्द मैंने अभी यूज़ किए, यदि इसको हम अपने लाइफ में यदि इनको हम डेवलप करते हैं, इनका विकास करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हमारे अंदर इस बात की क्षमता जो है विकसित हो जाएगी कि हम जैसे ही हमारे अंदर इस तरह के विचार आए, थॉट्स आए, हम उनको तुरंत जो है वो उनको जो है सप्रेस कर दें, उसको हम मैनेज जो है वो कर सकें। ये एक जो है वो बहुत अच्छा और सरल तरीका है। बिल्कुल, तो ये बता रहे थे आपको बलविंदर जी कि आखिर कैसे आप
कुछ नए नए तरीकों से अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं और साथ ही आप बहुत ज़्यादा अगर सोच रहे हैं तो कैसे उसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा सर मेरा सवाल एक और रहेगा कि आखिर मेडिटेशन कहते हैं ऐसा लोग कि एक बहुत ही अच्छा औजार है अपने टेंशन को कम करने का। अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत शांत रहते हैं, हमारा जो दिमाग है वो स्टेबल रहता है, तो ऐसे में मेडिटेशन नेगेटिव विचारों को हमसे दूर कैसे रख सकते हैं? देखिए, जो ये मेडिटेशन है इसका जो पहले आपको ये बताएं कि मेडिटेशन में होता क्या है। मेडिटेशन जब आप करते हैं या तो आप अपने सांस को ऑब्ज़र्व करते हैं, ब्रीदिंग को आप ऑब्ज़र्व करते हैं, या आप किसी एक मंत्र को का मन में उच्चारण करते हैं बार बार, और जो है अपने मन को जो है आप मंत्र के ऊपर जो है वो केंद्रित करते हैं, या और कई तरह के मेडिटेशन हैं, विपासना मेडिटेशन है जहाँ पर कि आनाबाना मीन्स की ब्रीदिंग के साथ साथ जो है बॉडी में सेंसेशंस जो हो रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन है TM जो है, जो महर्षि महेश योगी ने शुरू किया था, और उसके अंदर एक हम जो है वो मंत्र को लेके एक वर्ड को लेके हम उच्चारण करते हैं। तो कई तरह के जो है वो मेडिटेशन की प्रक्रियाएं हैं, परंतु उनका जो सिद्धांत है वो ये है कि हम अपने मन को जो है किसी एक चीज़ पर केंद्रित करें, और जैसे ही मन हमारा भटक के दूसरी जगह पे जाए, हम उस मन को दोबारा वापस उसी चीज़ पर ले आएं। यदि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो ब्रीदिंग की तरफ ले आएं, और यदि हम किसी मंत्र के बारे में सोच रहे हैं तो मंत्र के ऊपर हम दोबारा ले आएं। ये इसी को जो है वो मेंटल एक्सरसाइज कहते हैं, और जिसको हम सरल भाषा में मेडिटेशन भी कहते हैं जी। तो मेडिटेशन के जो 3-4 फायदे हैं, वो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो सेल्फ अवेयरनेस विकसित करता है। हम अपने बारे में और जो आसपास जो हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं, नंबर वन। दूसरा जो है माइंडफुलनेस, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय हम प्रेजेंट मोमेंट पर रहने का जो है हम उसको एक अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। तीसरी चीज़ जो है जो माइंड वंडरिंग होती है कि माइंड बार बार भटकता है दूसरी चीज़ों पर, जो है वो माइंड हमारा स्थिर होता है, और यदि माइंड भटकेगा तो वो जल्दी से वो वहाँ पर वापस आ जाएगा। चौथी बात जो है वो है इमोशनल जो बैलेंस है, कि जैसे होता अक्सर क्या है कि हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं और हम इंस्टेंटली हमें जो है वो गुस्सा आ जाता है और हम अपने आप को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से जब हम गुस्सा होते हैं। तो ये जो इमोशनल जो कंट्रोल है वो मेडिटेशन से आ जाता है, और अंत में जो है इन सब का प्रभाव ये रहता है कि जो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, जो मानसिक और जो हमारा शारीरिक विकास है वो होने लगता है, क्योंकि यदि मन ठीक है, शांत है, तो निश्चित तौर पे आपका मानसिक विकास, मानसिक आपकी हेल्थ रहेगी, और उससे आपका जो है शारीरिक रूप से भी आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ये जो है 4-5 प्रमुख जो है वो फायदे मेडिटेशन के होते हैं। बिल्कुल, आखिर में सर हम ये चाहेंगे कि आप दर्शकों को ज़रूर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं कि आखिर मेडिटेशन का सही तरीका क्या है और कैसे वो अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन जो आज के दिन जो सबसे सरल प्रक्रिया है और US में, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रिसर्च हुई है, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के अलावा वहाँ पर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में बहुत इस पे रिसर्च हुई है। इसको माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन कहते हैं, और इनफैक्ट आपको ताज्जुब होगा कि Fortune 500 जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं उसमें करीब 20% कंपनियों ने अपने जो है ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो मेडिटेशन जो है वो शुरू किया है। तो सबसे सरल तरीका जो है वो ये है कि आप शांत
शांति से जो है कमरे के अंदर रिलैक्स पोजीशन में आप बैठ जाएं और लाइट जो है वो धीमी रहे या बहुत कम जो है वो लाइट रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आप आँखें बंद करके अपने आप को पहले रिलैक्स करें फिज़िकली, कि जब बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाते हैं आपका प्रत्येक अंग जो है, जैसे आपकी बाजू हैं, आपकी टांगे, थाइस, आपकी जब सब अंग आपके जब स्थिर हो जाएं और रिलैक्स हो जाएं, तब फिर आप इनहेल और एक्सहेल जो आप ब्रीथिंग है जो आप करते हैं उसको के ऊपर आप ध्यान दें। इसको कहते हैं कि टू ऑब्जर्व द ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सहेल। तो आप जो है इसको यदि आप होगा ये कि जैसे ही आप ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देंगे आपका मन जो है वो भटकेगा, इधर उधर चले जाएगा, बट जो है आपको इमीडिएटली कुछ सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है आप काम तो ये कर रहे हैं ब्रीदिंग वाला, बट आपका मन जो है चले गया, तो आप वो अपने आप जो है उसको आप वापस लाएंगे और फिर दोबारा आप ब्रीदिंग की तरफ ध्यान जो है वो देंगे। तो यदि शुरुआत में 2 मिनट 3 मिनट से शुरू की जाए और हफ्ता 10 दिन करने के बाद फिर हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते रहें, 3 मिनट करें, 4 मिनट, फिर 5 मिनट, और फिर जब आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप 10, 15, 20 मिनट तक जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन है ब्रीदिंग के ऊपर जो है वो आधारित है, और इनहेल और एक्सहेल को आपको ऑब्जर्व करना है बिल्कुल नॉन जजमेंटल तरीके से। ना आपके अंदर खुशी की भावना होनी चाहिए, ना गम की होनी चाहिए, आप बिल्कुल स्थिर तरीके से आप जो है अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। यही मुख्य जो है वो जो ये मैंने बताया मेडिटेशन इसका सिद्धांत है, और बाकी अलग अलग मेडिटेशन की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, बट प्रिंसिपल जो जो सिद्धांत है वो वही है जो मैंने अभी कुछ क्षण पहले बताया था। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बलविंदर कुमार जी बता रहे थे कि आखिर कैसे आप मेडिटेशन से अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको बैलेंस्ड रख सकते हैं और एक जीवन को जीने का यही सही तरीका है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।